कोरोना वायरस के संक्रमण में लॉकडाउन में महाराष्ट्र के नासिक रोड में फंसे 847 लोग ट्रेन से लखनऊ पहुंचने के बाद रोडवेज की बसों से अपने अपने गृह जनपद रवाना हो गए। विशेष ट्रेन से लखनऊ पहुंचने श्रीमा को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बेहद शर्मनाक बताया है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने इसको लेकर एक ट्वीट भी किया है और कोविड केयर फंड पर भी सवाल उठाया। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर गरीबों से ही ट्रेन के टिकट के पैसे लेने थे तो कोविड केयर फंड में जो खरबों रुपया डलवाया गया उसका क्या होगा। अखिलेश यादव ने केंद्र के साथ उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि नासिक से ट्रेन से लखनऊ लाया जा रहे मजदूरों से रुपया वसूल का कृत्य बेहद शर्मनाक है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में भी आरोग्य सेतु ऐप से 100-100 रुपया वसूले जाने की भी खबरें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बहुजन हलचल। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।